नमस्कार ओडिशा जॉब डिटेल्स यूट्यूब चैनल को आपण मानको प्रथमे स्वागत। फ्रेंड्स आपण मानको पई गतकाली दुईटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओडिशा पुलिस तरफ पब्लिश करा दैछि। गोटे रही आपण मानकर कनेस्टेबल नियुक्ति लगी एवं अन्यटि रही सब इन्स्पेक्टर पदवी लगी। तेज प्रथम मुझान कनेस्टेबल पदवीर डिटेल्स इनफर्मेसन देवी तापर जाए सब इन्स्पेक्टर पदवीर डिटेल्स इनफर्मेसन देवी। तेज टोटाल नंबर अफ वैकेंसी प्रथम जाणी रखु 721 पोस्टर वैकेंसी आसी जो ओडिशार सबू जिलार पाने अप्लाई करेंगे। आवेदन करा कौन रही इलिजिबिलिटी कंडीशन कौन रोच बयस सीमा किपर आप्लाय करेंगे दरमा के मिलूँ संपूर्ण तथ्य आपको सेयार करी तासत किसी डाउट क्लीयर करेबी। जदि आपड़ो को देखा चाहूँ तेल भिडियो को शेष जाए देखिए फर्म टी आपने अति आराम से आप्लाय करेंगे। तेज यह अपडेट आपर 12/6/2021 संवाद ई पेपर मध्यम प्रकाशित कर बहुत सारे यूट्यूब चैनल बर्तमान यह उपलब्ध आपने चाहिए चेक करेंगे। तेज देखते रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन अनुसार यह अपडेट आग को आसवर अच्छी मानने 21 तारीख में यह अपडेट ऑफिशियली नोटिफिकेशन मध्यम प्रकाशित होकि ऑफिशियली वेबसाइट आसीजा पुलिस .gov.in तेज आपठार जाए चेक करेंगे। ऑफिशियली अपडेट आसला डिटेल्स इनफर्मेशन मुझक प्रोवाइड करनेबी। तेज देखो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपर जदि ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल लगे देखा तेज कनेस्टेबल आपर रिक्रुटमेंट आसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बा सिग्नल विभाग। तेज ओडिशा पुलिस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट तरफ आपर निजुक्ति आ 244 पोस्ट में कनेस्टेबल पदवी लगी। तेज आम जब देखा युआर कैटेगोरी टोटल पर 112 पदवी वोमेन मान 37 एसटी कैटेगोरी 67 पदवी वोमेन मान 22 एससी कैटेगोरी 42 पदवी वोमेन मान 14 एससीबीसी कैटेगोरी 23 पदवी वोमेन मान 8 तो यही टोटल पर फ्रेश पे 244 पोस्टर वैकेंसी आसमी एक्स सर्विस मान मान एक्सट्रा 7 पोस्टर वैकेंसी रही होमगार्ड मान 24 पोस्टर ओमेन रही 8 ग्रुप डी पदवी में 10 पोस्टर वैकेंसी आसी ओमेन मान 3 रही स्पोर्ट्स पर्सन जो थे कि 2 पोस्टर वैकेंसी आसी तादरे ओमेन मान गोटे पोस्टर वैकेंसी आसी। तेज यदि आप्लाय करा चाहते हैं 18-23 वर्ष भितर प्रार्थी मैंने अप्लाय करेंगे। जो मानकर बयस सीमा 18-23 वर्ष भितर हो 1/1/2021 सुधा से एलिजिबल एवं हाँ जो मैंने कि एससी एसटी एससीबीसी कैटेगोरी बिलंगस करुछंती बयस सीमा कोहल कर मैंने 5 वर्ष और 3 वर्ष जथाक्रम बयस सीमा कोहल कर निश्चित रूपए पीडीएफ टी ध्यान दे देखिपारे। तेज जदि आप्लाय करते एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाबदे तेज गोटे कैंडिडेटर प्लस टू एग्जामिनेशन निश्चित रूपे पास कर आर्ट्स साइंस कमर्स जोसी कभर करते भी से अप्लाई करिपरिबो। किंतु सबुठारु बड़ कथा एथिरे कंप्यूटर आप्लिकेसन निश्चित रूपे आवश्यक रहिबो। कंप्यूटर आप्लिकेसन बा डीसीए सर्टिफिकेट जदि आपनकर नाही ताले निश्चित रूपे बनांतु। बहुत सारा पिलांकर प्रश्न आसीथिला सर जो रिक्रुटमेंटर नोटिफिकेसन वाइज एथिरे कोन कंप्यूटर सर्टिफिकेट आवश्यक हबो ताले निश्चित रूपे आपनमन कहि रखिबी कंप्यूटर सर्टिफिकेट 100% आवश्यक रहिबो। एटी गोटे जिनस लिखा जाइए देखो म बी ऑप्शन रे मस्ट हाव पास्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ड्यूली अफिलिएटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक अच्छे गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृति प्राप्त एक ऑर्गेनाइजेशन रु आपण माने डीसीए सर्टिफिकेट हासिल करथिबे नते डीसीए कोर्स कंप्लीट करथिबे अर्थ आपण माना पाखरे डीसीए सर्टिफिकेट निश्चित रूपे थिबा आवश्यक रहिबो ए एग्जाम को क्लियर करिया पई फॉर्म पकिया पई। तबे आपण माने प्लस टू एग्जाम सहित कंप्यूटर नॉलेज निश्चित रूपे आवश्यक रहुची। तो फ्रेंड्स बहुत सारा पिला प्रश्न था जहाँकि डाउट टू क्लीयर करेली। तेज एथिरे जो रिक्रुटमेंट आसी आउ गोटे कथा एथिरे ओडिया लांगुएज एमई स्टैंडर्ड रे माने सप्तम आपर गोटे साहित्य बोली सब्जेक्ट थी ओडिया रे आपण माने क्लीयर करते। तेज सीबीएसई पिला माने जो माने रहिले से माने तो सप्तम साहित्य पास करनथिबे तेणुकर से माने अप्लाय करें सीधा कथा। किंतु ओडिया मीडियम रो पिला माने जो माने सप्तम साहित्य पास करछंती साहित्य बोली गोटे सब्जेक्ट थिला सप्तम से माने निश्चित रूपे यहाँ अप्लाय करें जोटा कि डिटेल्स इनफर्मेसन रही जदि देखा आपण रिगार्डिंग कौन नोटिफिकेशन आसी आउ हाँ फ्रेंड्स एथिरे जो एग्जाम रहिबो आपण मानकर जो रिटिन एग्जाम रहिबो प्रथम आपण जानिसंती जे रिटिन एग्जाम रहिबो तापर फिजिकल एग्जाम रहिबो तापर जाई कि आपण मानकर मेरिट लिस्ट आसिबो। तबे रिटिन एग्जाम आपण मानकर कंप्यूटर बेस्ड रहिबो फ्रेंड्स सीबीटी एग्जाम रहिबो एठी गोटे मेंशन करा जाइछि सीबीआरई कंप्यूटर बेस्ड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन। तबे फ्रेंड्स कंप्यूटर बेस्ड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन मीनिंग सीबीटी एग्जामिनेशन आपण मानकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहिबो 100 मार्क प्रश्न निश्चित रूपे आसिबो काहेकि ना एबे रिसेंटली आपण मानकर जो क्राइटेरिया रहिछि
एग्जामिनेशन रो नोटिफिकेशन अनुसार एग्जामिनेशन जो एग्जाम करा रिटन टेस्ट ओडिशा पुलिस रहा सब 100 मार्क करा जीवो बोले ऑफिशियल अपडेट आसीतला पूर्वर आपण मन तो निश्चित रूपे जानिथिबे तबे 100 मार्क रिटन को आपण मन को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम रे करा जीवो सेथिरे जो माने उत्तीर्ण हेबे सेमानको फिजिकल टेस्ट और फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट को बुलिया जीवो तबे एटीआर अपडेट रहिछि आपण मन को कोन क्राइटेरिया रहिथि आवश्यक रहिछि हाइट केते आवश्यक वेट केते आवश्यक छाती अनएक्सपैंडेबल एक्सपैंडेबल करले केते करि परथिबे से सब इनफॉरमेशन रहिछि आपण माने वीडियो टी को पॉज करके निश्चित रूपे देखि परिबे एवं बहुत सारा पिलामानकर डाउट रहुछि जे फिजिकली फिटनेस टेस्ट जोटा रहिबो फिजिकली फिटनेस टेस्ट रे कोन कोन फिजिकल रहिबो तबे प्रथमे जानि रखंथु आपण मानकर फिजिकली फिटनेस टेस्ट रे 1600 मीटर रहिछि 7 मिनिट रे कवर करबा आवश्यक रहिछि 6 मिनिट नै फ्रेंड्स सेतिरे केवल क्वालिफाइंग नेचर रे 7 मिनिट रे कवर करबा रहिछि जिओ पिलामान पई 9 मिनिट रे कवर करबा रहिछि 1600 मीटर को निश्चित रूपे 7 मिनिट एवं 9 मिनिट व्यवधान रे पुओ पिला जिओ पिला कवर करिवे तबे फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट रे आपण मानकर आउ किछि अपडेट आसिनी एथिरे रिक्रूटमेंट रो नोटिफिकेशन अनुसार निश्चित रूपे आपण मानकर लॉन्ग जंप और रोपिंग एथरु बाद दिया जाई छी आपण माने एथरे ए इवेंट को पाइबे नाही हाई जंप निश्चित रूपे रहिबो आपण मान को क्रॉस कंट्री उपरे किछि अपडेट आसिनी किंतु मु जानि छी जे आपण मान को एथरे क्रॉस कंट्री आसिबो नाही क्रॉस कंट्री माने 5 किलोमीटर रो अपडेट नाही 5 किलोमीटर रो रन एथरे नाही केवल 1600 मीटर रही छी तेंकर फिजिकल एफिशिएंस टेस्ट रे केवल 1600 मीटर रो अपडेट एथरे आसी छी एवं बोनस मार्क हिसाब रे आपण मान को एनसीस को काउंट करा जिवो ड्राइविंग लाइसेंस आपण मान को हाइट रे मार्क कैरियर क्वालिफाइंग मार्क जोटा कि 10 प्लस 2 जहां भी भलो मार्क रखि देबे सेरा को किछि आवश्यक करिवनी केवल एनसीस यदि नैथिबे एनसीस ए सर्टिफिकेट रे 1 मार्क मिलु छी एनसीस बी सर्टिफिकेट रे 2 मार्क मिलु छी एवं एनसीस सी सर्टिफिकेट रे 3 मार्क मिलु छी तो फ्रेंड्स निश्चित रूपे आपण माने एई भली फॉर्मेट रे आपण मानकर बोनस मार्क मिलिबो जदि आपण माने एफॉर्म को अप्लाई करुछंती ताले जानि रखंतु 220 टका एप्लीकेशन फीस बाबद लागुची एससी एसटी कैटेगरी पिला मानको कोनोसी एप्लीकेशन फीस लागु नाही एवं जदि आपण माने एक अप्लाई करुछंती ताले 21/6/2021 रे ध्यान दे जानि रखंतु एही ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी ऑफिशियली वेबसाइट रे www.odisha.gov.in जोटा की पुलिस डिपार्टमेंट रो ऑफिशियली वेबसाइट रहिची सेतरे अवेलेबल होई जीवो आपण मान जाके चेक कर परिबे चलंतु नेक्स्ट जाने रखिबा आपण मानकर जो रिक्रूटमेंट आसी ओडिशा पुलिस रो सब इन्स्पेक्टर लागि अपडेट टी तबे देखन फ्रेंड्स ओडिशा पुलिस तरफ जो सब इन्स्पेक्टर पदवी रो नियुक्ति रहिछि एथिरे आपण मानकर रिक्रूटमेंट आसी 477 टी पोस्ट 477 टी पोस्ट बहुत बड़ वैकेंसी आपण मान पई एटी एससी कैटेगरी रे 78 टी पोस्ट एसटी कैटेगरी रे 170 टी पोस्ट एससीबीसी रे 53 टी एवं यूआर पई 239 टी पोस्ट एक्सर्विस मान मान पई 14 टी एवं स्पोर्ट्स पर्सन मान पई 5 टी पोस्ट रो वैकेंसी आसी एही अपडेट टी आपण मानकर सेई 12/4/2021 रे ऑफिशियली अनाउंसमेंट करा जाइछि ऑफिशियली पेपर रहिछि संवाद ई पेपर ऑनलाइन माध्यम रे आपण माने एफॉर्म को अप्लाई करि परिबे 22/6/2021 रो 15/7/2021 पर्यंत ए नोटिफिकेशन वर्तमान आपण मानकर ऑफिशियली वेबसाइट रे उपलब्ध नाही किंतु 21 तारिख रे आपण मानकर एही ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी अप्लाई करियो को अवेलेबल हे जीवो आपण मान चाहेले चेक करि परबे ऑफिशियली वेबसाइट तबे एथिरे आवेदन करिया कोले गोटे कैंडिडेट रो वयस जमा 21 वर्ष रो आरंभ करकी 25 वर्ष भीतर होबा आवश्यक रहिछि एवं 1/1/2021 जा जदि कैंडिडेट टी 21 वर्ष रो 25 वर्ष भीतर होतबो ताहाले अप्लाई करि परबो किंतु वयस सीमा 5 वर्ष एवं 3 वर्ष यथाक्रमे एसटी एससी एससीबीसी कैटेगरी एवं वुमेन कैटेगरी रो पिला मान पई कोहल करा जाइछि से माने निश्चित रूपे पीडीएफ को ध्यान दे देखि रखिबे एवं ई जो सब इन्स्पेक्टर पदवी रहिछि ओडिशा पुलिस तरफ रु एहा ग्रुप बी पोस्ट रहिबो एहा कॉन्ट्रैक्चुअल निजुक्टमेंट आपण मानको मिलिबो जो रिक्रूटमेंट रहिछि कॉन्ट्रैक्चुअल पदवी रे आपण मानको नियुक्ति दिया जिवो तबे एथिरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल प्लस 3 पास करथिले भी आपण माने अप्लाई करि परिबे आर्ट साइंस कॉमर्स डिप्लोमा करि जदि ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिन बा बीटेक कंप्लीट करछन्ति ताहाले तो निश्चित रूपे आपण माने एहाको अप्लाई करि परिबे तो फ्रेंड्स एथिरे भी आवेदन करिया कले आपण मानकर एलिजिबिलिटी कंडीशन जहा कि म आपण मान कहि रखिबी आपण माने जानि देखंतु ध्यान दे देखंतु वीडियो टिको संपूर्ण शेष जाय तबे एथिरे आपण मानकर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रहिछि आपण मानकर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अनुसार म आपण मान कहि रखिबी प्रथमे रिटन एग्जाम रहिबो तापर फिजिकल एग्जाम रहिबो तापर भाईवा रहिबो तापर जाके आपण मानकर मेरिट लिस्ट आसिबो एवं एही प्रोसेस रे आपण मानकर नियुक्ति सब रहिबो जो रिटन एग्जाम रहिबो आपण मानकर सीबीटी एग्जाम रहिबो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहिबो एथिरे अपडेट आसीछि ए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन रहिबो एथिरे आपण मानकर दुईटी प्रजा रे एग्जाम दव पडिबो गोटे सेट रहिछि 100 मार्क रो आ गोटे पेपर 2 रहिछि 200 मार्क रो गोटे दिन भितर आपण मानकर एही जोडा
ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 300 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍ରେ ଆସୁଛି 0.25 ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 0.25 ମାର୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି ତାହେଲେ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟି ଦିଆଯିବ। ଯଦି 4ଟା ଭୁଲ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ କାଟି ଦିଆଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏବଂ ହଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତ ଏ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି କାଟେଗୋରି ଯାହା ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା, ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବୁଲ୍ ନନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଛାତିର ମାପ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 1600 ମିଟରର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ରନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବେ 8 ମିନିଟ୍ରେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, 10 ମିନିଟ୍ ରହିଛି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ 8 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର୍ କରୁଛନ୍ତି 1600 ମିଟରକୁ ପୁଅ ପିଲା ଓ ଝିଅ ପିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ। 3.66 ମିଟରର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି, ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 2.77 ମିଟର। 3.66 ମିଟରଟି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, 2.77 ମିଟରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପ୍ଲାଏ, ମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ, କେବଳ ଏନ୍ସିସିରେ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭାଇବା ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିସ୍ ବାବଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ। 285 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ବାବଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। 21/6/2021 ଏହି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ www.odishapolice.gov.in ଏବଂ 22 ତାରିଖଠୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଫର୍ମକୁ 15/7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି କୌଣସି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମୁତାବକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖିବି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓରେ 721 ପୋଷ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ସମାପ୍ତ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।